नमस्ते, सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ठंडा ठंडा पान का शरबत, जिसे आप स्टोर करके इसे 6 महीना तक के लिए रख सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये जो शरबत है सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इस शरबत को आप गर्मी में जरूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पान के पत्तों को लें। पान के पत्तों को बहुत ही अच्छी तरह से धो करके साफ कर लें। और क्या करें कि एक मिक्सी का जार लें और पान को इस तरह से, ये जो डंठल होता है ना पान का, इस तरह से काट लें। और डंठल काटने के बाद क्या करें कि पान के पत्तों को इस तरह से काट लें। यहाँ पर मैंने 8 पान के पत्तों को लिया है। शरबत बनाने के लिए आप अच्छे पत्तों को लें ताकि जो आपका शरबत का कलर हो बहुत ही अच्छा है। मैंने यहाँ पे कोलकाता पान को लिया है। इसका जो कलर होता है बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए इस पान के शरबत में हम फूड कलर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और यहाँ देखिए, मैंने पान के पत्तों को काट लिया है। तब क्या करें कि इसमें डाल दें कुछ इलायची को डाल दें। 6 से 7 इलायची को आप 1 घंटा पानी में भिगो करके रख दें, तब इसे पीसें। इससे क्या होगा, जो आपका इलायची है बहुत ही आसानी से पीस जाएगा। और यहाँ पे पान के पत्तों को, यहाँ देखिए, मैंने पीस लिया है। ये हल्का सा दरदरा है क्योंकि पान जो था बहुत ही कम था। तब क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंगे गुलकंद को। पान के शरबत में गुलकंद का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है, तो आप गुलकंद को ज़रूर डालें। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप कोई भी ब्रांड का गुलकंद को ले सकते हैं। और तब क्या करें कि यहाँ पे जो पान था इसी में 2 चम्मच के करीब गुलकंद को डाल दें। यहाँ इस शरबत में हम सभी चीज़ें फ़ायदा वाला ही डालेंगे। गुलकंद जो है बहुत ही फ़ायदा करता है और टेस्टी तो बहुत ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गुलकंद को पान के साथ डाल दिया है। और क्या करें, इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। बहुत ही बारीक इसे पीसें, जितना बारीक आप इसे पीस सकें। तब क्या करें कि एक पैन लें, इसमें 1 बाउल के करीब चीनी डाल दें और साथ में पानी भी डाल दें। पानी को बस इतना ही डालें जितना आपका चीनी अच्छी तरह से डूब जाए। पानी को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें और गैस को लो करें। और क्या करेंगे कि इसी में ये पान डाल देंगे, जो पान और गुलकंद को हमने पीसा था, सभी चीज़ों को इसमें डाल दें। चीनी का मात्रा जो है मैंने थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि जो गुलकंद होता है बहुत ही मीठा होता है। और क्या करेंगे कि इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और तब क्या करें, सेम मिक्सी का जार लें और इसी में डाल दें सौंफ को। सौंफ को 6 से 7 घंटा के लिए पानी में भिगो करके रख दें। ये जब अच्छी तरह से फूल जाए तो इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। सौंफ को भी आप जितना बारीक पीस सकें पीस लें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सौंफ को भी अच्छी तरह से पीस लिया है। ये हल्का सा दरदरा है तो कोई बात नहीं, और इसे भी इसमें हम डाल देंगे। और मिक्सी का जार में जो आपका सौंफ लगा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे भी डाल दें इसमें, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद गैस को मीडियम करें और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पका लें। हमें इस शरबत को गाढ़ा करना है। जितना हनी जैसा गाढ़ा होता है ना, हमें हनी जैसा ही गाढ़ा इस शरबत को बनाना है। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए जो शरबत है उसे गाढ़ा कर लें। हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया है। ये बहुत ही अच्छी तरह से, ये देखिए, चिपचिपाहट आ गया है, यानी हनी जितना गाढ़ा हो गया है। तब क्या करें कि इसमें विनीगर डाल दें। तो 1 चम्मच के करीब विनीगर डाल दें। अगर आपके पास विनीगर ना हो तो आप नींबू के रस को भी डाल सकते हैं। विनीगर या नींबू डालने से आपका जो शरबत है क्रिस्टलाइज नहीं होगा और इसे आप स्टोर करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसे स्टोर करें। और यहाँ पर जो हमारा शरबत है ठंडा हो गया है। तब क्या करें कि एक छन्नी लें और छन्नी में शरबत को अच्छी तरह से छान लें, क्योंकि इसमें पान, इलायची और सौंफ का जो रेशा होगा वो आसानी से निकल जाएगा और पीते समय बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें थोड़ा सा और पानी और चीनी डालकर एक बार ग्राइंड कर लें और इसका शरबत बना कर फिर से पी लें। इसे रखे नहीं, और इस शरबत को आप 6 महीने के लिए स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। और तब क्या करें कि एक ग्लास लें और उसमें कुछ आइस क्यूब डाल दें और 4 से 5 चम्मच के करीब ये शरबत को डाल दें और डाल दें ठंडा पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। यह हमारा बहुत ही टेस्टी और ठंडा शरबत बन करके रेडी है। ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा और टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है।
तो गर्मी में इस शरबत को आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा।